पछताई रही है पछुतने ना पाए कानो चितू पहुंच गए द्वार पे तो मौसी ने शर्म के कारण अपने किवाड़ बंद कर लिए। अब मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने नहीं जा पाऊंगी। तो जब किवाड़ बंद देखे तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाने लगे, मौसी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। लेकिन मौसी किवाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज देने लगे, मैया मेरी बात सुन ले, किवाड़ खोलो ना। बाल खोलो ना, किवाड़ खोले, दोनों हाथ जोड़ के ध्रुव से क्षमा मांगने लगी, माफ करना ध्रुव, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत काम, मुझसे भूल बन गई। तो ध्रुव कहने लगे, मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। अब मौसी से मिले ध्रुव, अब चले अपनी माँ के पास। जो माँ ने अपने बच्चे को देखा तो भाग करके गोद उठा लिया, ध्रुव तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या हाँ? तो माँ बोली, हम तो नहीं मानेंगे कि तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। देखो कितनी समझदार थी वो माँ।